आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। वो तिहाड़ जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ये राहत मिली है। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करे। कोर्ट ने ये भी कहा कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। ट्रायल पूरा होने तक वो जमानत पर रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उन्हें जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में ईडी की हिरासत में हैं। वो 15 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने ईडी से आज यानी मंगलवार दोपहर 2 बजे तक ये बताने को कहा था कि क्या आप नेता और सांसद संजय सिंह को 6 महीने की कैद के बाद भी उनकी और हिरासत की ज़रूरत है। संजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीवी बराले की पीठ ने 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर संजय सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। संजय सिंह ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत देने से इनकार करने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि संजय सिंह के पास से कोई धन बरामद नहीं हुआ है और 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने को लेकर उन पर लगे आरोपों की जांच मामले की सुनवाई के दौरान की जा सकती है। संजय सिंह ने उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर जमानत का अनुरोध किया था कि वो 3 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उच्च न्यायालय ने 7 फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इसके बाद संजय सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। इस मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को सोमवार को तिहाड़ जेल लाया गया और उन्हें जेल नंबर 2 में रखा गया है। संजय सिंह को पहले जेल नंबर 2 में रखा गया था, लेकिन हाल ही में उन्हें जेल नंबर 5 में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसी मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में है, जबकि भारत राष्ट्र समिति BRS नेता के कविता महिला जेल की जेल नंबर 6 में है।